हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वह सीट नंबर 26 कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 सोल्व पेपर 2018 का सोल्व करेंगे। तो पहला वर्ड है साथियों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम है जो दिया हुआ पद में से आपको चुनना है। तो पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है साथियों? स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट मतलब एक तरह से, अब सेंस वाइज देखेंगे यदि आपको पता नहीं है तो एक्सेप्ट मतलब देखिए, ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑप्टेन किसी चीज़ से होता है, एक्वायर ग्रहण करना, रिलीज मतलब तो छोड़ना होता है, तो रिलीज किया जाता है। जैसे चोर पकड़ लिया पुलिस, चोर को पकड़ा पुलिस तो उसको रिलीज कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब किसी को स्वीकार किया, तो रिजेक्ट का सेंस जाएगा। अब कहिएगा कि रिलीज भी तो ले रहा रिजेक्ट के इन सेंस में, लेकिन रिजेक्ट देखिए एक्सेप्ट किए हैं कोई चीज़, लेकिन रिजेक्ट करते हैं, खारिज करना होता है ना, एक ग्रहण क्या खारिज कर दें, तो रिजेक्ट ही आ जाएगा, रिलीज वाला नहीं जाएगा। रिलीज को हम दूसरे, इसका मतलब वही सेंस यूज होता है, लेकिन इसका अर्थ में हम दूसरे दूसरे कंटेंस्ट में हम यूज करते हैं, मतलब दूसरे संदर्भ में भी इसको प्रदर्शित करते हैं। रिलीज जैसे चोर को रिलीज कर सकते हैं पकड़ कर, पुलिस जो पकड़ता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना था। चलिए साथियों, अगला वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगला देखिए, टेक्नोलॉजी कैन बी डज एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच टू अ स्क्रीन दैन एवर बिफोर। देख लो, टेक्नोलॉजी कैन बी डज एंड पीपल सीम, पीपल के लिए प्लूरल है, इसके लिए सीम आया, ठीक है। टू बी मोर अटैच, देखिए बी के साथ भी थ्री अटैच आया, लेकिन उसके पहले मोर क्या हो गया, एडजेक्टिव है, टू स्क्रीन दैन एवर बिफोर, इससे पहले कभी, मोर के साथ दैन आया ना, टू स्क्रीन एवर बिफोर। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टेड मतलब क्या होता है, लत लगना, जैसे गलत ये चीज़ का भी लत होता है, जैसे नशा का लत होना ये, और इनकोरिजिबल मतलब क्या होता है, असंशोधन, जिसको सुधार असंशोधनीय क्या होता है, असंशोधनीय जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता, इनकोरिजिबल होता है, और इनफैचुएटेड मतलब क्या होता है, मुग्ध उत्तेजित, जो क्या करता है मन, जो क्या करता हो आपको लुभाता हो, इनफैचुएट मतलब जो क्या करता हो, मुग्ध है जो क्या करता है लुभाता हो, और कंटीजियस मतलब तो जानवे करते हैं संक्रमण। तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्नोलॉजी हमको क्या कर रहा है, अडिक्ट कर रहा है, एंड पीपल सो में, क्योंकि अडिक्ट कर रहा है, अडिक्ट मतलब लत लगा रहा है, लत लग रहा है पीपल को, किस में, तो टेक्नोलॉजी में, और पीपल सीम टू बी मोर अटैच, किससे हो गया, अडिक्ट होगा तब ना हो गया, उससे ज़्यादा कोई चीज़ से आप लगाव रखेंगे, कब लगेंगे, जब उसमें लत लग जाएगा। इनफैटुएट तो नहीं होगा, मुग्ध हो रहा है मतलब आपको लुभा रहा है, तो लुभाएगा कोई चीज़, कोई आइटम लुभाता होगा जैसे बाजार वस्तु में, तो ये इसका सेंस नहीं जाएगा। इनकोरिजिबल मतलब असंशोधनीय होता है, जो संशोधन इसमें नहीं कर सकते हैं, और कंटीजियस मतलब क्या होता है, संक्रामक। तो एडिक्टिव हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अडिक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, लत लग गया हमारा। अगला देखिए, चैलेंज का स्पेलिंग बोलना होता है, देखिए चैलेंज का होता है, ये वाला गलत है, ये का सही है, CHALLENGE होता है। आगे साथियों, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट। तो लेट द बेल बी रंग, बी के साथ बी थ्री, रंग एवरी 40 मिनट। तो साथियों लेट वाला स्टार्ट होगा, तो रिंग, देखिए ये वाला स्टार्ट करेंगे, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट, क्या होगा, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट, F40 40 मिनट, तो ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, पचवा में, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, जो फिट है ईटन के लिए, खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एडिबल। अनपलेपेटेबल मतलब क्या होता है साथियों, कड़ा, जो स्वादिष्ट ना हो, क्या हो, जो स्वादिष्ट ना हो, प्लेटेबल मतलब होता है स्वादिष्ट, और अनपलेटेबल अन लग जाए तो जो स्वादिष्ट ना हो, डिलीशियस मतलब तो जानते हैं कि स्वादिष्ट के सेंस में, जैसे डिलीशियस मैंगो है, टेस्टी मतलब भी स्वाद के सेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या, एडिबल टू फिट टू ईटन, तो इसको बोलते हैं एडिबल। अगला है आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना, यदि नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट दिए, देखिए बायोलॉजिस्ट है, उसके लिए बिलीव भी बना है, डैट इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन, जो मानव, जो एक्टिविटी गतिविधियाँ जो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन द हैबिटेंट फुल और की जाए, जो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, किस में, हैबिटेंट चेंज, किस में, हैबिटेंट ऑफ ऑल क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में जितने सारे क्रिएचर, उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए बायोलॉजिस्ट बिलीव,
बायोलॉजिस्ट क्या कह रहा, बिलीव डैट द ह्यूमन एक्टिविटी, द ह्यूमन एक्टिविटी सिंगुलर है तो इसके लिए मीन्स आया सही है, एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज, तो चेंज नाउन हुआ, एक्सेलरेट उसके दर को बता रहा, तो एन एक्सेलरेटेड एडजेक्टिव यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पर सही है। मीन देखिए पहला ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट होगा, ह्यूमन एक्टिविटी मीन नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा क्योंकि बिलीव है, भी बन जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन नहीं होगा, एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगा, यहाँ पर दिया ह्यूमन एक्टिविटी मीन, ह्यूमन एक्टिविटी मीन एन एक्सेलरेटेड रन फ्रॉम चेंज नहीं होता, रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम ये गलत हो गया, ऐसे सोच सकते थे ये वाला भी क्योंकि एक्टिविटीज प्लूरल लगाया तो इसके लिए मीन भी बना है, ये भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉम जो लगा दिया, जो प्रीपोजिशन यूज कर दिया, यही गलत है। अला ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग, इज मीनिंग यहाँ पर वर्ब ले ला है, एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज, चेंज नाउन है, रेट एडजेक्टिव है, एक्सेलरेटेड ये भी एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल डिटरमाइनर है, तो मीनिंग मीनिंग इस मीनिंग, इस मीनिंग नहीं आना चाहिए, मीन्स आना चाहिए, तो ये भी तो गलत हो गया, आई मीन पास्ट में तो है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे साथियों अगला ये वाला जंबल वर्ड है, इसको क्या करना है आपको सुधारना, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी और बी से स्टार्ट है, डी और सी से स्टार्ट है, तो बी वाला पहले पढ़ते हैं, द कन्फ्लिक्ट जो मतभेद है, कोएक्सिस्टेंस, कोएक्सिस्टेंस मतलब साथ साथ मौजूदगी, इज एविडेंट, एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, एविडेंट एविडेंट है क्या है, मेरे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्फ्लिक्ट जो है साथ साथ, जो साथ साथ मौजूदगी का क्या एविडेंट है। अगला इस देखिए बी के बाद ये पढ़ते हैं, हियर द पिक्चर, हियर किसके लिए है, हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेश क्वार्टर एंड हेरिटेज हेरिटेज लैडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इन टू वन अनदर, तो हियर द पिक्चर, तो हियर किसके लिए आया, उसके पहले बी के बाद ए तो नहीं जाएगा, गलत हो गया, अब बी के बाद सी पढ़ते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएक्सिस्टेंस, कोएक्सिस्टेंस जो है इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, और इसी इसके बाद डी यदि चलते हैं, देयर इज ए प्लेस, अगला बता रहे थे कि यहाँ पर बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है मतभेद अति है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जानते हो कि झगड़ा के सेंस में मतलब वहाँ पर, लेकिन झगड़ा यहाँ यूज नहीं करेंगे, जो वैचारिक मतलब कि जो संघर्ष है रहने का, जो साथ साथ रहने का, वो भी क्या है, मत ज़्यादा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उसके लिए देखिए आया आगे क्या बता रहा है, देर इज ए प्लेस दाउ पुडुचेरी, प्लेस के बारे में मतलब जो क्या पुडुचेरी बेयर कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड लाइक नन वेरियल्स, आप देखिए यहाँ पर बोला कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएक्सिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेनी मेट्रोपॉलिटन, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन के बारे में चर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या करा, पुडुचेरी बेयर कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड, किस तरह सेलिब्रेट कर जाता है, जैसे कोई लाइक नौ वेरियल्स वहाँ सेलिब्रेट कर जाता है, देखिए इसका बी का पेयर डी बनेगा, इसी के लिए डी के बाद ई ए आएगा, अब डी ए किस लिए आए, हियर तो पुडुचेरी के लिए, तो डी के बाद ए किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है डी के बाद ए, लेकिन सी से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड सर्वाइविंग साइड बाई साइड, तो टू डिफरेंट वर्ल्ड सर्वाइविंग साइड बाई साइड एट नेवर क्रॉसिंग डेट चांस, तो किसके बारे में बोला, इसलिए ये नहीं आएगा हमारा, बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमको डी और ए का पेयर खोजना था, डी और ए इसमें भी था, लेकिन हमारा क्या बी से सी से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा बी से स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, तो हमारा बी नंबर ही सही है। अगले यहाँ पर देखिए, हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेश क्वार्टर एंड हेरिटेज लैडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इन टू वन अनदर, और ब्लेंड द ओल्ड एंड न्यू लाइक ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड, दो डिफरेंट वर्ल्ड सर्वाइविंग साइड बाई साइड इट नेवर क्रॉसिंग डेट चांस, तो ये था, आगे बढ़ते हैं, ये नहीं समझे तो फिर से देखिए, हम नहीं समझे तो बताते हैं, देखें द कन्फ्लिक्ट ऑफ कोएक्सिस्टेंस, अब बोलिए कि डी से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, देर इज से प्लेस थ्रू, देर से तो नहीं करेंगे, कोई प्लेस से थ्रू पुडुचेरी बेयर कॉन्ट्रास्ट, अच्छा देर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन देखिए देर इज ए प्लेस थ्रू पुडुचेरी बेयर कॉन्ट्रास्ट और सेलिब्रेटेड लाइक नौ वेरियल्स, और डी के बाद देखिए हियर पुडुचेरी, हियर आया तो पुडुचेरी के बाद ही आएगा, तो डी के बाद एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, अब देखिए सी से क्या स्टार्ट होगा, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड, दो डिफरेंट वर्ल्ड से सर्वाइविंग साइड बाई साइड इट नेवर क्रॉसिंग डेट चांस, तो ये देखिए कोई बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स सर्वाइविंग, जो सर्वाइव कर रहा है साइड बाई साइड एच,
अभी तक नेवर क्रॉसिंग डेड चार्स, तो इसके बारे में कोई पहले चर्चा होगा कोई देश के बारे में, कोई कोई किसी के बारे में राज्य या कोई भी है। लेकिन यहाँ हम सी बी से स्टार्ट करें तो देखिए बी क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएक्सिस्टेंस इज एविडेंट। आप देखिए यदि हम इसको लेंगे तो आपको पता है कि बी वाला लास्ट में ना जाकर देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएक्सिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपोलिटन सिटीज़। तो इस मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के बाद ही ना हमारा क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद हमारा, बी के बाद हमारा सी आएगा क्योंकि बी से स्टार्ट होगा, तो बी बी के बाद सी आएगा, डी के बाद ए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए पुडुचेरी है उसके लिए प्लेस हियर है, तो डी का पेयर एक ई इसमें बन रहा, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो उसको अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इलिजिबल मतलब अपठनीय, इलिजिबल मतलब अपठनीय, इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसके व्याख्या नहीं किया जा सके, और इनफेलिएबल मतलब जिससे के असफल होने की संभावना ना हो, जिसके क्या होता है असफल होने की संभावना ना हो, उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। आगे साथ ही इज़ क्लिकिंग गुड पिक्चर विथ हिज न्यू कैमरा, पैसिव वर्ब बनाना, तो गुड पिक्चर, गुड पिक्चर्स, पिक्चर्स प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट का वाक है तो आर लगाएंगे, हैव वाला तो नहीं आएगा, आर वाला सोचेंगे, लेकिन यहाँ वी फोर है तो बींग प्लस बी थ्री आना चाहिए, तो बींग प्लस बी थ्री एक ही गुम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, देखिए इन आइडेंटिफाई द सेंटेंस सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल है, तो नो सुनर के बाद इन्वर्जन लगता है, ठीक है, डिड ही सी भी वन है द टाइगर बेन, देखिए बेन गलत हो गया, नो सुनर के बाद दैन होता है, टी एच एन एम दैन वाला, ही रन भी टू एस फर्स्ट एस ही कुड, बेन का बात है रेयरली वेयरली स्कॉर्सली हार्डली हार्डली रेयरली वेयरली स्केयरली, इसके साथ क्या होता है वेन आता है, लेकिन देन किसके साथ आता है नो सुनर के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ वाला, ये वाला पार्ट गलत है, बेन जिसमें होगा वो गलत है, तो चलिए देखते हैं, तो हमारा ये वाला गलत है बेन वाला। अगला पेंसिव, पेंसिव मतलब क्या होता जाता है चिंताग्रस्त, पेंसिव का सही नाम क्या होता है चिंताग्रस्त, पेंसिव मतलब चिंता, स्पॉन्टेनियस मतलब एक ही समय में दो कार्य होने वाला, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, तक्षण मतलब एक ही समय जो दो को घटना घटित बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त, स्पाइटफुल मतलब द्वेषपूर्ण, द्वेषपूर्ण, स्पाइटफुल मतलब क्या होता है द्वेषपूर्ण, ट्रैजिक मतलब क्या होता है दुखद, ट्रैजिक मतलब क्या होता है दुखद, स्पाइटफुल मतलब क्या होता है द्वेषपूर्ण, रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है चिंतनशील, तो रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है साथियों चिंतनशील, तो रिफ्लेक्टिव इसका सही आंसर, देखिए पेंसिव मतलब होता है चिंता ग्रस्त, और रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील, स्पाइटफुल मतलब द्वेषपूर्ण, ट्रेजिक मतलब दुखद, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस मतलब जो एक ही समय दो घटनाएं होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, तो हमारा पेंसिव का चिंतन चिंताग्रस्त का क्या होता है चिंतनशील रिफ्लेक्टिव। अगला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अंडरलाइन इडियम्स बताना है, कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट मतलब धनी परिवार से आया हुआ, ही सी फाउंड फाइंड फॉर हर सेल्फ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल स्क्वायर, बेन सी मैरिड ए पुअर फार्मर एंड मूव्ड टू ए स्मॉल विलेज, तो इसका इडियम्स होता है स्क्वायर पेग इन ए राउंड मतलब ए मिसफिट इन द एनवायरमेंट, क्योंकि देखिए जब धनी परिवार से जन्म ली थी और गई वहाँ पर गाँव में, तो क्या अपने को आपको एनवायरमेंट दोनों में चेंज होगा ना, एनवायरमेंट क्योंकि पुअर फार्मर एंड मूव टू अ स्मॉल फैमिली, तो चेंज होगा उसी के बारे में। अला विंडिकेटिव, विंडिकेटिव मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोध, प्रतिशोध होता है, तो इसका साइनोनिम क्या होगा आपको देखने से पता चल जाएगा, रिवेंजफुल, हेल्पफुल मतलब उपयोगी, वॉचफुल मतलब चौकन्ना, वॉचफुल जैसे वॉचमैन देखते होंगे तो वॉचमैन क्या करता है चौकन्ना रहता है, फोर्सेबल मतलब होता है सशक्त, तो वॉचफुल तो नहीं होगा, फोर्सेबल मतलब सशक्त होता है। अगला देखिए साथ, वेन हिज एनवियस कंपिटिटर एक्सटेंडेड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप स्मेल एरेड, ही स्मेल एरेड, वेन हिज एनवियस, एनवियस कंपिटिटर मतलब एनवियस मतलब ज्वेलस होता है, एक्सटेंडेड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ही स्मेल एरेड, तो स्मेल एरेड मतलब डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, ये इसका आइडियम्स होता है। अगला द मैच इन द, इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन आसवे लॉस द टीम टीम आर ऑन, देखिए अब जब भी ऐसे आसवे लॉस आया ना तो आसवे लॉस के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आगे का भर आगे का भर निर्वय करेगा, तो द कैप्टन क्या है तो कैप्टन सिंगलर है, तो इसके लिए भर क्या आएगा ईज आएगा आर नहीं आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर गलत है, कैप्टन क्या है सिंगलर है, तो इसलिए आने वाला भर भी से सिंगलर होगा। अगला जंबल बड़े इसको देखना, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर, अगला कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ए से भी स्टार्ट है, देखते हैं इसी को,
द यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयर फॉर हैज टू डिपेंड ऑन ए प्लांट कॉल बॉक्स टू मेक डाइस। देयर फॉर किस लिए डिपेंड प्लांट कॉल बॉक्स टू में, इसके पहले कुछ हुआ होगा तब ना। मान लें कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बता रहा है, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयर फॉर हैज टू डिपेंड ऑन ए प्लांट कॉल बॉक्स टू मेक डाइस। क्यों डिपेंड हुआ, उसके पहले उसका कुछ कारण हुआ होगा तब ना कोई डिपेंड होगा। मान लें कि कोई कारण बना होगा, तो देखिए ये वाला तो स्टार्ट नहीं होगा। डी से देखते हैं, सी से देखते हैं, बींग से तो स्टार्ट नहीं होगा। बींग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन बोर्डवास इसलिए अवेलेबल इन यूरोप। तो देखिए बी बी वाला के बाद सी तो नहीं होगा, ए के बाद सी जा सकता है। ए के बाद यदि डी को देखिए, क्योंकि देखिए यदि पढ़ें तो बींग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन का प्लांट होने के कारण बोर्ड्स बस इसलिए अवेलेबल इन यूरोप। कहा कि देखिए यहाँ पर बोर्ड्स का चर्चा था, यहाँ पर बोर्ड्स था, तो ए का सी का पेयर बन सकता है, लेकिन सी से स्टार्ट नहीं होगा। तो डी से पढ़ते हैं, इंडिया इंडिगो बस वेरी एक्सपेंसिव, क्या है, बहुत एक्सपेंसिव, महंगा, एंड ओनली स्मॉल क्वान्टिटीज रीच द यूरोप मार्केट। ठीक है, डी के बाद क्या है, सी पढ़ेंगे, बींग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन बोर्ड, तो बोर्ड के पास इसलिए अवेलेबल, तो बोर्ड ए पढ़ते हैं, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयर फॉर। अब देखिए क्यों हैड टू डिपेंड ऑन प्लांट कॉल बोर्ड्स, क्यों डिपेंड हुआ, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसिव था और बहुत कम ही यूरोपियन मार्केट में पहुंच रहा था, इसीलिए वह क्या क्या अल्टरनेटिव सोचा, इसलिए डी के बाद ए आएगा और डी के बाद एक ही में उसके बाद सी बी का पेयर बनेगा। हाउएवर ऐसे भी तो लास्ट में आता है और हाउएवर कंक्लूजन ही सेंटेंस होता है, तो इसमें भी था, लेकिन यहाँ पर हमको ए और सी को क्योंकि डी और बी इसमें भी था, बी में भी है, लेकिन डी और बी इसमें भी है, लेकिन ए और सी हमको को पेयर को ढूंढना था। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। चले साथियों आगे बढ़ते हैं। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, क्या होता है, लगाव होता है, तो इसका मतलब इसका क्या देना है, एंटोनियम देना है। तो अवेरेशन होगा इसका एंटोनियम, अवेरेशन मतलब होता है घृणा, क्या होता है, घृणा। एम्पथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति। अट्रैक्शन मतलब तो जानते हैं, अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षक करना। प्रेफरेंस मतलब पसंद करना, प्रेफरेंस जैसे देखते होंगे अब बोलने के बहुत सारे आपको पास आइटम देते हो, प्रेफरेंस देते हो ना कि सबसे पहले इसको क्या, जैसे बहुत सारे पार्टी में बहुत सारे व्यक्ति आते होंगे तो आप प्रेफरेंस देते होंगे इसको, कि इनको आगे रखना कि इनको पीछे रखना। तो ये होगा एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है, लगाव। एवर्सन मतलब होता है घृणा। तो एफिनिटी का याद रखिएगा, लगाव क्या होता है, लगाव, किसी से लगाव होना। एवर्सन मतलब घृणा। आगे साथियों अगला, इसको इम्प्रूवमेंट करना, ए रीज़न वाई वेयर आर सो मच मिसकंसेप्शन ऑफ डायलेक्सिया ए कुड बी द सीर इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर। ए रीज़न के बाद देखिए, देयर होगा, देयर आएगा, इसे भी पढ़ने से ही पता चल रहा है, वेयर नहीं आएगा, वेयर तो प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो रीज़न देयर बाई देयर वाई देयर आर सो मैनी ऐसे भी मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। मिसकंसेप्शन क्या होगा, मैनी के बाद क्या आता है हमारा, मैनी के बाद नॉन प्लूरल आता है, मैनी के बाद नॉन प्लूरल आता है, तो मैनी के बाद मिसकंसेप्शन नहीं है, नॉन प्लूरल नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया। मच तो ऐसे भी आएगा, मिसकंसेप्शन हम धारणाएँ हैं, तो मैनी कंसेप्शन के बारे में बोला है, तो मच नहीं होगा, अनकंट्रोलेबल के सेंस नहीं लगाएंगे। ऐसे भी अगेंस्ट नहीं होता, मिसकंसेप्शन के बाद अगेंस्ट नहीं, अबाउट किसके बारे में, तो डायलेक्सिया के बारे में, अबाउट से इसको इस तरह छाटे। तो मिसकंसेप्शन मैनी के बाद नॉन क्या होता है, नॉन क्या होता है, प्लूरल आता है, उसके बाद क्या आएगा, अगेंस्ट, ये जो प्रीपोजिशन है इसका गलत है, अबाउट आना चाहिए, अबाउट डायलेक्सिया के बारे में बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमको क्लोज टेस्ट है, टेलिंग समवन समथिंग डैच यू एडमायर। टेलिंग समवन किसी को बताना समथिंग, टेलिंग समवन कोई को बताना समथिंग डैट समथिंग कुछ बताना डैट यू एडमायर अबाउट देम, एडमायर अबाउट देम उसके बारे में, एडमायर। कैन बी कॉल्ड एट ए रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, किस तरह का रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। इट टेक्स अलमोस्ट नो एफर्ट, क्या हो जाएगा, ये किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं देता। इट पे एनॉर्मस डिविडेंड, क्या कर देता है, देखिए यहाँ पर तो ऑफ वाला तो जान में करते हैं, एक्ट्स ऑफ होगा ये याद रखिएगा, एक्ट्स ऑफ। अगर नो एफर्ट इट पे एनॉर्मस, एफर्ट होगा, वेंचर नहीं होगा, क्या होगा साथियों, एफर्ट होगा, वेंचर, तो यहाँ पर एफर्ट हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं करता। अटेम्प्ट मतलब होता है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट आप ले लेंगे, दो अटेम्प्ट है, तीन है, जैसे देखते होंगे CGL भरे हैं, CHSL भरे हैं, तो हमको इतना अटेम्प्ट देना है, ये सारे वर्क तो काम हो गए, वो वेंचर का दूसरा सेंस है, तो यहाँ पर एफर्ट ही सही होगा। नो एफर्ट इट पे
इनोरमस डिविडेंड, मेनी पीपल, मेनी पीपल देखिए यहाँ टेंस कौन सा चल रहा है, तो बी वन चल रहा है, तो मेनी पीपल स्पेंड 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 देयर एंटायर एंटायर लिव्स बीसिंग डैट, ये भी इसमें कि डैट अदर्स वुड अदर वुड डास देम, अदर वुड क्या करेगा अक्नॉलेज देम, अक्नॉलेज मतलब क्या होता है स्वीकार करेगा, अक्नॉलेज देम जिसको क्या करेगा स्वीकार करेगा, अक्नॉलेज देम एक्सपेक्टेशन आर, एक्सपेक्टेशन के लिए आर आया मोर फ्रॉम, देखिए यहाँ भी टेंस पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है, एक्सपेक्टेशन आर मोर फ्रॉम फेयर फैमिली एंड फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन क्या है किससे ज़्यादा है मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड, डास इवन कम्प्लीमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर फील गुड इफ दे आर जेन्यून, डास इवन कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर फील गुड इफ दे आर जेन्यून, हाउएवर अब देखिए यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है हाउएवर सो एंड, हाउएवर आ जाएगा क्या आ जाएगा साथियों हाउएवर आ जाएगा, बोलिए कैसे आएगा, तो देखिए क्या बोल रहा है देखिए एक्सपेक्टेशन और मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन आशा क्या रहता है सबसे ज़्यादा किससे रहता है फैमिली और फ्रेंड से, हाउएवर इवन इवन इसके बावजूद भी कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर फील गुड, हाउएवर इसके बावजूद इवन, हाउएवर का कॉमा क्या होता है हाउएवर का पेयर वर्ड कॉमा होता है, बोलिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए हाउएवर का पेयर कॉमन वर्ड नहीं होता, देखिए यहाँ पर देखिए हाउएवर के बाद क्या कॉमन स्टार्ट किए लगाया ना, तो इसलिए हाउएवर आएगा, हाउएवर क्या होगा हाउएवर इवन कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर फील गुड गुड फील करेगा इफ दे आर जेन्यून, यदि वे रियल में है तो, अगला देखिए पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, ओल्डर जन डास ओवर द गुड ओल्ड स्कूल, तो पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन क्या करना रिमेंबर करेगा, नहीं रिमेंबर मतलब क्या होता है याद रखना, रिमेंबर मतलब याद रखना, रिमेंबर मतलब रिमाइंड मतलब ध्यान देना, रिमेंबर मतलब याद रखना, या रिमाइंड मतलब रिमेंबर मतलब कोई चीज़ को आपको क्लास टीचर क्लास होमवर्क देते होंगे तो बोलते हैं रिमेंबर कीजिए, रिमाइंड मतलब याद दिलाना कोई चीज़ को आप याद दिला रहे हैं कि आपको अरे आपका ये आज ये तारीख है, मतलब किसी को याद दिला रहे हैं कि आज हमारा युवा दिवस है या गांधी जयंती है, अलग अलग मतलब आप याद दिला रहे हैं, रिट्रीब्यूट मतलब होता है प्रतिकार, रिट्रीब्यूट मतलब क्या होता है प्रतिकार, क्या होता है साथियों प्रतिकार, तो यहाँ पर क्या होगा रिमिनाइसेंस, रिमिनाइसेंस याद ताज़ा करना, क्योंकि ओल्डर जनरेशन पीपल क्या कहें याद को ताज़ा करना, ओवर द गोल्ड गुड ओल्ड स्कूल डे अपने जो स्कूल डे स्कूल के दिनों को क्या करा याद याद करना याद को ताज़ा करना, अलावा इसका वर्ड का सही मीनिंग होगा कंसाइंटिया CONSCIENTIOS मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है CONSCIENTIOS, तो ये था साथियों सेट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब शेयर करें सब्सक्राइब करें, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।